अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुजवनक सानुम ज्ञानी नामम गगन्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। हनुमान जी महाराज कलयुग में सभी भक्तों को तारने वाले यानी कि उनको सब प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाले और संकट मोचन माने गए हैं और अमृतत्व के वरदान के फलस्वरूप कलयुग के अंत तक हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान है और भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी को तारणहार भी माना गया है और हनुमान जी का मंत्र जप जो करता है, जो हनुमान जी का पाठ करता है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, चाहे वो बजरंग बाण का पाठ करता हो, तो अवश्य ही उसको हनुमान जी के द्वारा किसी न किसी प्रकार से मदद जरूर मिलती है और उसकी सदैव रक्षा होती है और सब उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान होने के कारण हनुमान जी तुरंत ही अपने भक्ति की सहायता कर देते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ तो वैसे काफी लोग करते हैं, मगर 100 बार हनुमान चालीसा का अगर कोई व्यक्ति पाठ करता है, अगर कोई व्यक्ति हर मंगलवार को 100 हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो अवश्य उसे विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हनुमान जी का पाठ करने के लिए हमें मंगलवार का दिन का चयन करना पड़ता है और मंगलवार को ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, तो सिंदूर का लेपन हनुमान जी महाराज के अवश्य करना चाहिए और सिंदूर को चमेली के तेल में मिश्रित करके उसका लेपन अगर हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर किया जाता है, तो बुरे से बुरे ग्रह के अगर हमारे कोई दुष्प्रभाव होते हैं, वो सब उससे तुरंत ही तत्काल समाप्त हो जाते हैं और हमारी बड़ी विपदा, बड़े संकट से हमारी तुरंत ही रक्षा हो जाती है। इसलिए हनुमान जी हमारी इस प्रकार से काफ़ी सहायता कर सकते हैं। और जो व्यक्ति नियमित रूप से 100 हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसे एक प्रकार से सिद्धि हासिल हो ही जाती है और जो जो मनवांछित कार्य होते हैं, वो सब कार्य उसके संपूर्ण होने लग जाते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उसे सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमें अवश्य ही हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए और इसमें वस्त्रों का और आसन का रंग जो है वह लाल होना चाहिए। लाल ऊन का आसन अगर मिल पड़े तो वह अति उत्तम माना गया है। तो और दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वह बड़ी ही प्रभावशाली होती है और ऐसी मूर्ति के सामने अगर जप किया जाए तो काफ़ी जल्दी हमें उसका प्रभाव प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा 100 हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने वाला व्यक्ति या मंगलवार मंगलवार को ही अगर जो व्यक्ति 100 हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो अवश्य ही उसको सिद्धि हासिल हो जाती है। उसके बड़े बड़े ऐसे कार्य निकल जाते हैं जो कि संभव होना भी नामुमकिन होता है, ऐसे कार्य भी उस व्यक्ति के संपन्न हो जाते हैं, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और मनोइप्सित कार्य यानी कि जो मन में काफ़ी समय से वर्षों से चलती आ रही मनोकामना भी जो हमेशा टलती आ रही थी, रुकती आ रही थी, वो भी पूर्ण हो जाती है और उसके सभी जितने भी दुश्मन होते हैं उस व्यक्ति का अहित नहीं कर सकते हैं। और अगर उस व्यक्ति का कोई अहित करने का सोचता है तो उसका ही अहित हो जाता है यानी कि उसी का ही बुरा हो जाएगा। अगर आपने हनुमान चालीसा का 100 पाठ करके उसको सिद्ध किया है और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने वाला व्यक्ति उस सिद्धि को हासिल करता है और अवश्य ही स्वप्नावस्था या जागृत अवस्था में किसी न किसी रूप में हनुमान जी उसको दर्शन देते ही है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।